ये मार के इन लोग को रहने लायक नहीं छोड़े गए। उस समय इन लोग को मजाक लग रहा था, इन लोगों को ने एगो ब्याह वाला लालका कुर्सी ले ले घूमना पड़ेगा कि तनी बैठे के जगह दे दो। ये बात हम बोले थे 2021 में, अभी 2024 चल रहा है। फिलिस्तीन वाले लोग को इजराइल दौड़ा दौड़ा मारेगा, एक दिन इजराइल हारेगा, अरे एक दिन सब मर के चल जाएगा, तुम रहोगे का? तो का एक दिन इजराइल हारेगा तो एक दिन हम सब मर के जाएंगे। आज का देखो ना, एक दिन इजराइल हारेगा। हमारे पास बीटो है ही नहीं है, तो इजराइल भी खुश, अरब वाला भी खुश। खैर अरब वाले तो खुद ही मरवाते हैं सब इसको, बेचारे सबको फिलिस्तीन में। हमास को मारते, हमास ये मान के चलिए हमास ने 7 अक्टूबर को मारा, गर्दा उड़ा दिया उनसो का, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, महिलाओं को मार दिया। शुरुआत हमास ने मार, हालांकि लड़ाई इन सब की बहुत पहले की है, जो 7 अक्टूबर को था बहुत बड़े पैमाने पर था, वो तो अब बड़े पैमाने, इससे पहले भी हमास इजराइल में होता। लेकिन ये क्या कि किसी बूढ़ा उड़ा को मार देगा, तो हमास को सोचना चाहिए कि तुम लड़ रहे हो तो इजराइल की आर्मी से लड़ो, पब्लिक से काहे लड़ रहे हो? अब उन्हें से वो मारा है तो इनको दुखा रहा है। तू नहीं मारेगा तो इनको दुखा रहा है, पीठ तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो भाई जब तुमको नहीं दम था तो मारने काहे गया? अभी देखो 100-150 साल पीछे ढकेल दिया इजराइल फिर इन लोग को। अरे भाई आपको लड़ना है, कुछ मत करो, शांति से पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाओ, बढ़िया IIT जैसा कॉलेज बनाओ, और APJ अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट बनाओ, और एक बार परमाणु बम लगा लो, मजाल कोई मार दे, इजराइल ही हो लड़ लेगा। नहीं, हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास चाइना धमकी दिया, जब मन तब पाकिस्तान हमला करने चलाता था। हमारे देश में भी बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले, APJ अब्दुल कलाम आए, परमाणु बम बनाए, काम खत्म। अब कोई मारेगा? पटक देगा आदमी सीधाने ले जाके। अभी हम अभी फिलिस्तीन के पास रहता तो मार देता। तो इजराइल को पता था, ये ससुरा जिस दिन परमाणु बम बना लेगा सब लोग, उस दिन ये हम नहीं लड़ पाएंगे इन सौ से। इसलिए खोज खोज के घर द्वार कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल सब तोड़ रहा है। ले ससुर, अगले 50 साल तक तुम इन सब का प्लास्टर पुट्टी करते रहना, मार के तोड़ तार के रद्द कर दिया यहाँ पे, अपनी को बुझाइबे नहीं करता है। और आप अगर हकीकत बात बोलिएगा ना तो गुस्सा आ जाता है सब, और कहता है सब कि मतलब उनको इन सब को समझाना बेवकूफी है, हकीकत से बहुत दूर है सब। एक दिन इजराइल हारेगा, अरे एक दिन सब मर के चल जाएगा, तुम रहोगे का? तो का एक दिन इजराइल हारेगा तो एक दिन हम सब मर के जाएंगे। आज का देखो ना, एक दिन इजराइल हारेगा। ये जो इस तरह की जो इमोशनल बात बोलता है या फिर गरियाने लगता है या फिर शराबता है ना, तो मतलब समझिए वो सामने से नहीं लड़ सकता है। अगर कोई किसी को शराप रहा है या इमोशनल बात बोल रहा है कि भगवान देख रहा है, या शराप रहा है या पीठ पीछे गरिया रहा है, मतलब उसकी औकात सामने से लड़ने की नहीं। इजराइल किसी को सरापा आई ले, सरापने क्या जरूरत है, बम गिरा रे मार के चल गया। हाँ, अरब देश वाले को ढोलक बना के रखे हैं सब, अरब जो होते हैं ना ढोलक, इधर से अमेरिका बनाता है डम, उधर से इजराइल डम डम डमा डम डम, अरब वाले ढोलक है सब, यार बजता है सब। लेकिन ना आप तनी बोल के देखो, 20 अप्रैल 2021 देखो ये डेट हम बताते हैं, 20 अप्रैल 2021 लिख दिया, ओहो 2021। इस दिन हम एक वीडियो अपलोड किए थे इजराइल के बारे में, उसमें हम एक बात बोले थे कि फिलिस्तीन वाले लोग को इजराइल दौड़ा दौड़ा मारेगा, और एक हम बड़ी हार्ड बात बोले थे कि इन लोगों को ना एगो ब्याह वाला लालका कुर्सी ले ले घूमना पड़ेगा कि तनी बैठे के जगह दे दो। ये बात हम बोले थे 2021 में, अभी 2024 चल रहा है, अभी उन लोग को बैठने का जगह नहीं है, जमीन पे बैठ रहे हैं लोग। लेकिन हमरा सब कहा सब, तुम जहन्नुमी क्या जानता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या ही जानते हैं बाबू, हम ग्रेटर इजराइल का प्लान हम सब समझाएंगे, ऐसे ऐसे होता है, हमरे पे घुसी आ गया सब, तुम्हें कुछ नहीं पता। उसके बाद हमरा पे डाउट करने लगा सब, ये कैसा खान है
जो इजराइल का फेवर कर रहा है, हम इजराइल का फेवर, हम भारत के फेवर करेंगे। अगर इजराइल ताकतवर है तो हमको बोलने में क्या जाता है कि इजराइल ताकतवर है, और हम नहीं लड़ पाएंगे तो हमको बोलने में क्या जाता है कि तुम नहीं लड़ पाओ। तो हमरा से पूछने लगा सब कि तुम्हारा नाम क्या है। हम और पिन जो तो नहीं सब पिनिकता है ना, हम ढेर पिनका देते। हम बोले इबलीस मुसलमानों में सबसे खतरनाक जो शैतान था ना, उसका नाम क्या था? इबलीस। तो हम नाम क्या बता दें? इबलीस। और वो भड़क गया, काँ 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 करने लगा यहाँ पे। भाई अभी भी आपको हम बोलते हैं, ये वीडियो तुम जाके देख लेना, उसमें स्पष्ट बताया है कि ये मार के इन लोग को रहने लायक नहीं छोड़े गए। उस समय इन लोग को मजाक लग रहा था, और ये सारी प्लानिंग चल रही थी उस समय की। और ये बात हम कैसे बता रहे हैं आपको, ये भी समझिए कि भारत से जितने लोग पढ़ लिख कर पीएचडी करते हैं, उन पढ़े लिखे पीएचडी में जो सबसे अच्छा पीएचडी किया होता है उसे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पढ़ना होता है, टीडीएफ। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए लोग इजराइल जाते हैं, और इजराइल उन लोग को 2.5 लाख रुपया से 3 लाख रुपया महीना देता है कि पढ़ो और रिसर्च करो। तो हमारे जान पहचान के बहुत सारे इजराइल में पीडीएफ करने वाले लोग हैं। तो हम जो बात बता रहे हैं ये हिंदुस्तान में खड़ा होकर बोल रहे हैं, लेकिन ये बात बता रहे हैं इजराइल। और वो टुटपुजिया लोग नहीं है, हाईली क्वालिफाइड है पीएचडी के बाद पीडीएफ करने, या तो कुछ जर्मनी में है कुछ इजराइल वाला। हम समझा रहे थे फिलिस्तीन वालों को कि भाई जितना में है उतना में ठीक ठाक से रहो, मारेगा ये। तुम जानता है हमारी डायरेक्ट फरिश्तों से बात होती है, तुम्हारी क्या औकात है। मारा सब एकदम हाँ करके रख दिया सब एकदम, मत पूछो एकदम। हमारा ना अच्छा, अपने आप को तुम टीवी पे देखोगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अजीब टाइप का। हम टीवी पे बैठ के देख रहे थे, खान सर के पीछे ये हुआ, किसी ने कहा एफआईआर करने के लिए, हम कहे तू केस करेगा हमरे पे एफआईआर? दरोगे ना आएगा ले जाने? अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं लोग उनके अंदर इतनी ताकत है कि किसी के जेल दिला सकते हैं। अजब हाल है भाई। अरे आपके अंदर ताकत है तो हम मेहंदी लगा के बैठल है। देखो हकीकत, हकीकत से कभी नहीं भागना चाहिए। अगर आपके घर में भी गड़बड़ी है, तुम सबको कहते तुम एक बार देखना इस चीज, और ये बात देखना हम बोले थे कि नहीं। और उसके बाद 5 दिन बाद और 25 अप्रैल या 25 मई है, 20 मई हो गया अप्रैल के, जब मई हो गया, मतलब 2021 की बात है, मई ही है, 20 मई अप्रैल नहीं मई, तुम देखना है। उसे बात बोले तो बाद मार हल्ला उड़ा दिया ऐसे ऐसे। तो अभी हमको बहुत मजा आता है, फिर पूछता है, फिर पूछ, आपकी पूछेगा बोलेगा फिर ऑन।